हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे प्लम्बर से पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, ये मैं आपको सारे वो आज क्वेश्चन कवर करूंगा जो जनरली कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हमारा पूछा जाने वाला बड़ा आसान सवाल होता है, हमारे जो होते हैं प्लम्बिंग पाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों, हमारे जो पाइप्स होते हैं, सबसे पहले हमारा CPVC पाइप होता है। CPVC का हम लोग प्रयोग करते हैं हॉटलाइन में और ड्रिंकिंग लाइन में। दूसरा होता है UPVC जिसका प्रयोग हम लोग ड्रिंकिंग लाइन में करते हैं। तीसरा होता है हमारा दोस्तों GI जिसका प्रयोग हम लोग ड्रिंकिंग लाइन में करते हैं। अगला होता है DI जिसका प्रयोग भी हम ड्रिंकिंग लाइन में करते हैं। अगला होता है दोस्तों SDP पाइप जिसका प्रयोग भी हम लोग ड्रिंकिंग लाइन में करते हैं। और अगला होता है दोस्तों PVC CI और कंक्रीट लाइन जिसका प्रयोग हम लोग ड्रेनेज पाइप के लिए यूज करते हैं। अगला पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों कि प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम वाटर लाइन में क्या प्रयोग करते हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, उसके लिए हम लोग जो है प्रेशर रिड्यूसर वाल्व का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा जो पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों, वो अक्सर पूछा जाता है कि जो हमारा वाल माउंटेड WC होता है उसकी हाइट कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसकी हाइट जो होती है फ्लोर के लेवल से 430 से लेकर 450 मिलीमीटर के बीच में होती है। अगला सवाल है दोस्तों कि जो हमारा वाल माउंटेड WC होता है इसकी इनलेट आउटलेट की हाइट कितनी होती है? सही जवाब होगा दोस्तों, इनलेट की हाइट होती है हमारी 360 mm और आउटलेट की हाइट होती है हमारी 230 mm। दोस्तों हमारा जो अगला पूछा जाने वाला सवाल है कि बूस्टर पंप का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका सही जवाब होगा, बूस्टर पंप का प्रयोग हम लोग टॉप फ्लोर पर करते हैं। हम लोग पानी का प्रेशर जो होता है वहाँ से बढ़ा देते हैं और जो हमारा फ्लो रेट होता है वहाँ पे मेंटेन हो जाता है। दोस्तों हमारा जो अगला सवाल पूछा जाने वाला होता है वो होता है कि कंप्लेंट अटेंड करने के लिए हम लोग क्या क्या टूल यूज़ करते हैं? तो हमारा जो जवाब होगा, जो हम लोग कॉमन टूल यूज़ करते हैं वो होता है दोस्तों मंगी प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, स्लाइड रेंच, पाइप रेंच, हैमर, चीजल, एक्सा ब्लेड, टेप्लॉन टेप एंड मैजिक टैप। दोस्तों हमारा अगला जो सवाल है वो पूछा जाता है कि जो वाश बेसिन काउंटर का हाइट होता है वो कितना होता है? इसका सही जवाब होगा, इसकी जो हाइट होती है वो फ्लोर से लेके 850 mm तक होती है। दोस्तों जो हमारा अगला सवाल है वो पूछा जाता है कि जो हमारा सिस्टर्न टैंक होता है उसके मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, वॉल पॉप, साइफन और टैंक। अगला सवाल है दोस्तों हमारा कि हम लोग स्ट्रेनर का वाटर पाइप में क्यों प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग इसलिए करते हैं दोस्तों कि हमारा एक तरीके से पाइपिंग फिटिंग होता है जिससे हमारा जो कि सॉलिड मैटर यानी कि जो पानी के अंदर पाने जाने वाले ठोस मैटर होते हैं उनको रोक लेता है और पानी हमारा जो होता है प्योरीफाई हो जाता है और फिल्टर हो जाता है यहाँ से। दोस्तों जो हमारा अगला सवाल होता है वो होता है कि ड्रेनेज पाइप के लिए हमारा स्लोप कितना होना चाहिए, यानी स्लोप मतलब क्या हो दोस्तों, उसकी जो ढलान है वो कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब होगा, हमारा जो स्लोप का रेंज होता है वो 1 cm से लेके 1 m तक होता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप हमारे जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।